नमस्कार संचार मित्रों, परीक्षा गंगा चैनल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर में आज भाग चार है, तो भाग चार के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या उसमें प्रश्न है। बहुत से मॉडल पेपर हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग भी हल करते रहिए। तो हम लोग अब रिविजन पर चलते हैं। एक बार, अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तीन बार। अब तक जो है झारखंड में तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? 19 जनवरी 2009 को, दूसरा 1 जून 2010 को, तीसरा राष्ट्रपति शासन 8 जनवरी 2013 को लग चुका था। हाँ, लगा था। हाँ, एक उसके पहले हमने भाग तीन में बताया था जो है राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितनी बार लगा है, तो उसमें तीन था, तीन ही विकल्प लगा है। आप लोग कमेंट किए थे कि जो है सर गलत हो गया, गलत नहीं है, तीन ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हमारे इन नोट्स में विस्तृत उसकी व्याख्या की गई है, आप लोग उस पर परेशान मत होइए। एकाक प्रश्न इधर उधर हो जाता है, भूल ही है, सब आदमी से जो है भूल हो जाती है, आप लोग उस पर ज़्यादा परेशान मत हो करिए, हम सुधार भी दिए हैं। अब तक जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तीन बार लगा है। आइए चलते हैं मॉडल पेपर में। आज का प्रश्न है, अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। बहुत बढ़िया नारा है, अपना गांव, अपना राज, अपना ही गांव, अपना ही राज, दूर भगाओ विदेशी राज। जब जो है झारखंड में विदेशियों का आक्रमण था, तब का ये नारा दिया गया है कि अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशियों को। किसने कहा था, किसने नारा दिया था? मुकुंद सिंह, रघुनाथ महतो, विष्णु मानकी और भुंडू मुंडा। मुकुंद सिंह, रघुनाथ महतो, विष्णु मानकी, बुड्डू मुंडा, बताइए। आप लोग विकल्प बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं मित्रों कि कई पुस्तकें हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मत दिया रहता, अलग अलग सन दिया रहता है, तो इसीलिए कहीं कहीं पर एकाक क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इस अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, किसने नारा दिया था? मुकुंद सिंह, रघुनाथ महतो, विष्णु मानकी, बुड्डू मुंडा, कौन दिया था? इसको हम लोग जो है विस्तृत पढ़ चुके हैं, बताइए। आप लोग कमेंट देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, रघुनाथ महतो, विकल्प नंबर बी, एक का बी सही है। आइए चलते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए, यहाँ जो भी बैठे हैं, कहीं भी क्वेश्चन इधर उधर हो तो आप लोग तुरंत बताइए, यहाँ लोग जो बैठे हैं। झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण था बड़ा भूम का उत्तराधिकार, पंचेत का उत्तराधिकार, मानभूम का उत्तराधिकार, सिंह भूम का उत्तराधिकार, कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए आप लोग। ये पूरे जो है हम लोग पढ़ चुके हैं ई नोट्स में, अगर रिवीजन किए होंगे तो आप लोग जो है बता देंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, बताइए। बी, पाचेत का उत्तराधिकारी, दो का बी होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण था पाचेत का उत्तराधिकार, ना तो बड़ा भूम का उत्तराधिकार था, ना तो मान भूम का, ना सिंह भूम का, इसीलिए विकल्प बी सही होगा, कहीं कुछ दिक्कत। प्रश्न नंबर तीन पर आइए, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? पहाड़िया क्या है झारखंड में? पहाड़िया जनजाति है। झारखंड में कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं?
कमेंट करके बताइए आप लोग। झारखंड में 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं। फिर रामगढ़ की रानी ने सहयोग किया, पंचमा की रानी, रनका की रानी, महेशपुर की रानी, कहाँ की रानी सहयोग की थी, विद्रोहियों का पहाड़िया विद्रोह हुआ, तो इनके विद्रोह को देखकर कहा कि रानी ने जो है पहाड़िया विद्रोहियों को जो है सहयोग किया कि आप लोग विद्रोह करिए, हम सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। कहाँ की रानी थी? हाँ, ऐसे ही रानी, ऐसे ही राजा, ऐसे ही मंत्री होने चाहिए। कुछ गलत के लिए विद्रोह उठे, आवाज़ उठे, तो उस पर जो है समर्थन करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, तो उसको सभी जो है सहयोग करना चाहिए। उसी प्रकार का यह भी विद्रोह था। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। महेशपुर की रानी को देखिए, पहाड़िया विद्रोह जो है सहयोग की, आप लोग विद्रोह करिए, हम आप लोग के साथ हैं। हंडे एक नारा रहता ना, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं अभी नारा हुआ, कहीं धरना देना हुआ, कहेंगे फलाने प्रसाद संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसी प्रकार के भी था, पहाड़िया विद्रोह जो है महेशपुर की रानी सहयोग की थी। अगला प्रश्न, चलिए आ गया समझ में। महेशपुर की रानी जैसा होना चाहिए सभी को। कोई छात्र पढ़ने में कमजोर हो या आर्थिक स्थिति ना ठीक हो, कॉपी किताब ना ले पा रहा, तो उसका भी ऐसी प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो हमने जो है पूरा झारखंड वालों के लिए सहयोग कर दिया कि सब आप ले नहीं सकते, सब पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए पूरा फर्स्ट पेपर एकदम निःशुल्क पढ़िए, झोकम झोंक लगा है। हाँ, चलिए। जबरा पहाड़िया कवन था? जबरा पहाड़िया कवन था? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा। आप लोग ये बताइए, झारखंड का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? हाँ, किसके जन्मदिवस के अवसर पर जो है झारखंड की स्थापना हुआ और किस तारीख हुआ, बताइए आप लोग। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुआ, उसी दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बहुत फेमस प्रश्न है। तो जबरा पहाड़िया कौन था? जबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी थे। तिलका मांझी, चार का ए सही है। तिलका मांझी को कहाँ पर फांसी दी गई? दुमका में, सुल्तानगंज में, भागलपुर में, देवघर में। जबरा पहाड़िया कौन था? ओझा तिलका मांझी। फिर तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया? कुछ ऐसे जो है काम कर दिए जो है तिलका मांझी को जो है फांसी दे दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इसमें से कितने लोग फांसी के लिए तैयार है चढ़ने के लिए? कोई नहीं, कह रहा है कौन मरेगा जो है फांसी लटक कर। तो तिलका मांझी जो है भागलपुर में दिया गया था। सी, पांच का सी। आप लोग भी बताते रहिए, भागलपुर में आप लोग तुरंत बताते रहिए, जिससे कहीं पर कुछ उत्तर गलत ना लग जाए। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो भागलपुर में। छाप, चलिए, तिलका मांझी को हो गया फांसी। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत, जतरा भगत, कान्हू भगत, रावल भगत, बताइए आप लोग। छह का कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, बुद्धो भगत होगा, बुद्धो भगत होगा। चारों का विस्तृत विकल्प इसलिए नहीं बता दी जो है बहुत अभी आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ इस समय लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम भी आ चुका है। 20 तारीख से संभवतः सबका एग्जाम है।
छोटा नागपुर में बिल किसन कानून कब लागू हुआ था बताइए आप। छोटा नागपुर में बिल किसन कानून कब लागू हुआ था? 1834, 1835, 1836, 1837 ईस्वी में बताइए। जी बहुत बढ़िया, 1834 में बिल किसन कानून कब लागू हुआ था? 1834 में। प्रश्न उत्तरी करने में आ रहा है मजा ना। सभी को सुबह सुबह का समय है, सब लोग एकदम फ्रेश मन से आए हुए हैं, सो कर उठे हुए हैं, अभी फोन उन से बातचीत करके बैठे हैं, सब आकर पढ़ रहे हैं अच्छे से, रिवीजन भी हो जा रहा है, पढ़ भी ले रहे हैं। एक अच्छा है, परीक्षा गंगा चैनल पर निःशुल्क चलती हैं, आप लोग देखते रहिए। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे EMRS विद्यालय जो है फर्स्ट पेपर एकलव्य विद्यालय का। इस हाँ आठवां देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 से 38 ईस्वी में, 1843 से 44 ईस्वी में, 1853 से 54 ईस्वी में, 1963 से 64 ईस्वी में कब हुआ था भूमिज विद्रोह? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 1838 ईस्वी में। हाँ प्रश्न नंबर 9 है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भोलानाथ सिंह, राम नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह, सिंध राय। हाँ बताइए आप लोग। नौकासी, गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1850, 1855, 1860, 1865 बताइए आप लोग देखकर कब हुआ था। 10 का कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। बी, हाँ बहुत अच्छा उत्तर दे रहा, 1855 ईस्वी में। आप लोग नोट भी करते रहिए। झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? 1, 2, 3, 4 बताइए कितने प्राचीन है। हाँ तो प्रथम ईसा पूर्व जो है प्राचीन है झारखंड का मानव निवास, विकल्प ए सही होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग प्रश्नोत्तरी में। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कैल्को लिथिक काल बताइए। 12, पूर्व पाषाण काल, हम लोग पूर्व पाषाण काल पहले, आप लोग जो है तुरंत बताइए, प्रश्न देखिए तुरंत बताइए, इतनी बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, विस्तृत पढ़ चुके हैं। जब से झारखंड का विज्ञापन आया तब से हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन एकदम विस्तृत पढ़ चुके हैं। चलिए 13 पे चलते हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अगर भूल जाएगा तो बेकार है पढ़ाई आप लोगों की। किस काल में झारखंड के सिंहभूम में लौह अयस्क का निर्माण हुआ? आर्कियन, जुरैसिक, क्रीटेशियस, नवपाषाण काल, किसमें हुआ बताइए। हाँ ए, आर्कियन काल। 13 का ए।
प्रश्न नंबर 14 पर चल रही है। किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ था? क्रिटेशियस काल, नवपाषाण, जुरैसिक काल, आर्कियन काल। यहाँ पर ऐसे रहेगा। हाँ बताइए। सी सी जुरैसिक काल में। पंद्रह है, रांची हजारीबाग पठार का प्रथम उत्थान कब हुआ था? रांची हजारीबाग पठार का उत्थान कब हुआ था? बताइए आप लोग। 15 सी, हाँ 2 करोड़ से 60 लाख वर्ष के बीच। सी विकल्प का 15 का सी, 2 करोड़ से 60 लाख वर्ष के बीच जो है रांची हजारीबाग का प्रथम उत्थान हुआ था। पूर्व पाषाण काल ईसा पूर्व कितने वर्ष को कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल ईसा पूर्व में कितने वर्ष को कहा जाता है? डी उसका, वहाँ डी 17। चलिए, मध्य प्लेस्टोसीन काल को मानो को उद्भव काल माना जाता है, या कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? 8, 9, 10, 11। हाँ कितने? 10 वर्ष। हाँ आप लोग जो है एकदम तुरंत उत्तर, प्रश्न देखे नहीं कि बस तुरंत उत्तर बोल दिए, और लोगों को बोलने दीजिए। 17 का जो है सी होगा, 10 वर्ष पूर्व। 18 देखते हैं, आपकी पहले मत बोलिएगा आप लोग। निम्न में से किस स्थल प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए? भवनाथपुर में, बरवाडी, घाटशिला, रांची, कहाँ पर? 18 में कौन सा विकल्प सही होगा? सब लोग बताइए। हाँ तो होगा इसका भवनाथपुर। भवनाथपुर में जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भवनाथपुर में 19 पे देखिए अब प्रश्न नंबर 19। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? रांची, गुमला, लोहरदगा, उपर्युक्त सभी। इसको तो आप लोग सभी अब मार देंगे, कह रहे तुक्का मार देंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हाँ इसका जो है उपर्युक्त सभी, कह रहे कहीं तुक्का लगाने का सर्वोत्तम तरीका उपर्युक्त सभी है गुरु जी। नहीं कहीं कहीं पर उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है, पढ़ के आप लोग मारिए। नहीं कहीं लिखा है उपयुक्त सभी तो क्या ABCD? नए लोग टिकटुक से जो है अपने उथम मारी, हम नहीं जानते जो है उपयुक्त जिसमें सभी है को सही हो जाएगा। विशिष्ट खोडालाइट चट्टाने किस काल में निर्मित हुई थी? आर्कियन काल, नवपाषाण काल, जुरैसिक काल, क्रिटेशियस काल। इतिहास से संबंधित है मॉडल पेपर, बताइए। 20 में, 20 में हाँ कौन सा होगा? ए, सब लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। हाँ आर्कियन काल ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं हम लोग अब। झारखंड में
अर्धमानव के गुफाओं में निवास करने के लिए साक्ष्य का पता लगा 8 लाख से 9 हजार ईसा पूर्व 8 लाख से 9 हजार ईसा पूर्व 9 लाख से 10 हजार ईसा पूर्व 10 लाख से 11 हजार 11 हजार से 12 हजार ईसा पूर्व कितना हुआ? सी 10 लाख से 11 हजार ईसा पूर्व। दस लाख से 11 हजार ईसा पूर्व जो है प्राप्त हुआ। हाँ हम लोग मित्रों जो है झारखंड का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। हाँ हिंदी पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, 2-3 मॉडल पेपर है उसको भी हल करा देंगे। किसी दिन जो है दोनों टाइम क्लास ले लेंगे, हो जाएगा। ये था मित्रों आज का जो है मॉडल पेपर 4 हम लोग हल कर चुके हैं। इसी के बाद जो है फिर कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।